Photosynthesis. What is photosynthesis? What happens during photosynthesis? Where do oxygen comes from during the process of photosynthesis? What happens to carbon dioxide of photosynthesis? What happens to the water of photosynthesis? They say photosynthesis reaction CO2 plus H2O C6H12O6 plus O2 plus H2O plus एनर्जी. ये फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन है जो आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा. अधिकांश लोग फोटोसिंथेसिस को यहाँ तक खत्म कर वाटर ऐड नहीं करते हैं. चलिए अब आपका अभी आपसे प्रश्न मैं पूछता हूँ, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? कहाँ से आया? और दूसरे का ऑक्सीजन का क्या हुआ? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से? ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल क्यों है? इसकी क्या आवश्यकता है? ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियोज को पूरा देखिए ताकि आपको उसकी जो नॉलेज हो सके. क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आया था कि नेम द प्रोसेस, एक्सप्लेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में किस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिशन होता है? तो ये तो पता है कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिशन होता है. रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? राइट इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये क्वेश्चन 2013 में आया था CBSE बोर्ड में. CBSE का 10th का 2013 में क्वेश्चन आया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सा रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस के द्वारा फूड ऑब्टेन, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं. तो आप ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल सके. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट माय चैनल और आवर चैनल मेड इन टू टी. हमारे चैनल मेड इन टू टी पर आपका स्वागत है. बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की. हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, जिसमें हम लोग बात किए थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम बात किए थे फोटो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ, इनकी बात किए थे. आज हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे. फोटोसिंथेसिस क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. इनसे क्वेश्चन आता है. हालांकि ट्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से कोई खास क्वेश्चन नहीं आ पाता है. बट चलिए कुछ क्वेश्चन भी हम लेंगे. पहले फोटोसिंथेसिस का बेसिक डेफिनेशन पढ़ें. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. अब क्या प्रिपेयर होगा, तो इसको डेफिनेशन है. डेफिनेशन आपका साइंटिफिक होना चाहिए. आपका डेफिनेशन साइंटिफिक होना चाहिए. साइंटिफिक इन द सेंस कि आपका डेफिनेशन में इसकी प्रोसेस आनी चाहिए. वैसा नहीं है, वो छोड़ दीजिए. वो क्लास 7-8 के लिए वो डेफिनेशन था कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन. ये बच्चों के डेफिनेशन है. चलिए तो इसका डेफिनेशन है, कहेंगे फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन दियर फूड भी कह सकते हैं फूड
by converting simple inorganic substances to inorganic substances to complex organic substances. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस. अब बायोकेमिकल प्रोसेस समझेंगे. बायोकेमिकल क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एक एक टर्म को समझेंगे. बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स होता है केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन. केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन taking place inside body of living organism. Body of living organism. किसी भी living organism के body के अंदर जो भी chemical process होता है उसे हम लोग कहते हैं biochemical process. Biochemical जिसमें जो ऑटोट्रॉफ होता है वो अपना फूड कैसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होता है बेसिक कार्बोहाइड्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों को लेता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है किसमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स ग्लूकोज में C6H12O. इसका एक और शॉर्ट अस्लिक डेफिनेशन बन सकता है. ये तो पूरा इसका इनहांस डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर अपना फूड या न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं. इसका हम लोग एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ये दोनों कंबाइन होता है और ये कंबाइन होकर क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2 और प्लस एनर्जी जनरेट करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है. ये फोटोसिंथेसिस का रॉ स्केलेटन इक्वेशन है. ये स्केलेटन इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन को पहले समझेंगे फिर हम लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन. ये कौन सा इक्वेशन है? स्केलेटन इक्वेशन. स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे. वह इक्वेशन जो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस को एलिमेंट या कंपाउंड को इंडिकेट करता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिर्फ बताता है कि कौन सा एलिमेंट इसमें भाग ले रहा है और क्या प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन. तो ये स्केलेटल इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा समझे कि इसमें और हमें क्या चाहिए और उसका क्या रोल है. तो इसमें रॉ मटेरियल में एक तो होता है सनलाइट और दूसरा होता है क्लोरोफिल. हम लोग इसका रोल भी पढ़ेंगे. क्लोरोफिल इसका रोल भी पढ़ेंगे, सनलाइट का क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या रोल है. बड़ा इनहांस और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आगे बहुत ही मजा आएगा. हम लोग इसको तो कहते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों क्या है, क्या कहते हैं इन्हें, चलिए आप सोचिए बताइएगा फिर. ठीक है, अब
पहले हम समझे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान, वैसे आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर फोटोसिंथेसिस का एक और वीडियो पड़ा हुआ है, बट फिर भी मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, क्योंकि जब मैंने खुद उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ें जो आपको जानना चाहिए वो मैं नहीं दे पाया था। यार है ना, जब मैं क्वेश्चन का पैटर्न देख रहा हूँ आगे, खासकर नीट का, क्योंकि मेरा उद्देश्य बोर्ड पास करवाना नहीं है। बोर्ड पास करवाने के लिए तो 2 महीने काफ़ी है। 2 महीने का मैं आपको सिलेबस इतना रैपअप कर दूंगा कि आपका बोर्ड कम्प्लीट हो जाएगा। बोर्ड इज नॉट ए इश्यू, इट्स दैट टू हैव नॉलेज, सो दैट जब आप नीट की बात करें, मेडिकल कॉम्पिटिशन दे तो वहाँ आ जाए। एंड आई मेक यू टू बी जीनियस, आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनाना है, एक ऐसे हम लोग मिशन पर आए हुए हैं। जब मैं आपको कहता हूँ हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक अंदर से एनर्जी होगी और मेरे अंदर भी, मेरा भी एक मिशन है कि आप लोगों को फिर इस तरह से मोटिवेट करना है कि हमारा देश एक बार फिर एजुकेशन के मामले में अव्वल हो जाए, आपकी तुलना का कोई बच्चा नहीं आए। ये मेरा उद्देश्य है कि आप एक ऐसे बच्चे बनो जिनसे कोई दो दो हाथ करने से पहले 50 वर्ष सोचे। ये मेरा व्यू है, मेरे चैनल का व्यू है, मैं पब्लिकली ये बात कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इस मिशन में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा ये कल आप पर निर्भर कर रहा है, बट यू विल हैव टू बी जीनियस। मुझे उस दिन अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता होगी जिस दिन आप एक जीनियस के रूप में आएंगे, जो सिर्फ ना कोई भी इंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे बट अपने नॉलेज से देश को, समाज को लाभान्वित करेंगे। बड़े किस सोच में हो, उठो जागो और अपना भविष्य बना लो। उठिए जागिए और अपना भविष्य संवार लीजिए। ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि आपके लिए एक अवसर है कि अपने भविष्य को बनाइए। अरे यार, आपका स्कूल बंद है ना, आपका स्कूल बंद है। आज की डेट में जाइए सोशल प्लेटफॉर्म पे, गूगल कीजिए, यूट्यूब पर देखिए, इतनी सारी जानकारियां पढ़ी हैं कि जितनी संभवता आपके स्कूल के टीचर्स में नहीं होगी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में सिर्फ एक चीज हम लोग ये हो रहे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं तो सिर्फ क्या हो रहा है कि आपकी आपको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। इवेल्युएशन के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम इवेल्युएट करेंगे, है ना। मेरा नंबर है, चलिए यहाँ पर मैं आपका नंबर भी आज से दे रहा हूँ। मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7645936233। आप इस पे हमें कॉन्टैक्ट भी कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डॉट्स क्लियर कीजिए, तो हो जाएगा बिल्कुल इंटरेक्टिव। कहाँ मैं, कहाँ आप। चलिए आगे बढ़ बात करते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था 2010 में कि राइट द नेम ऑफ ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन द सम सेल्स ऑब्जर्व बाई ए स्टूडेंट वे नहीं पुट ए लीफ। ये अभी नहीं क्वेश्चन आएगा, चलिए। तो इसके दौरान क्या क्या इवेंट्स होता है इसको पहले थोड़ा सा समझें। तो सबसे पहले क्या होता है कि सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल का क्या रोल है, देख रहे हैं यहाँ क्लोरोफिल है या सनलाइट है, ये क्लोरोफिल है सनलाइट है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट ये दोनों क्यों लिखते हैं यहाँ पर, क्यों लिखते हैं, कभी आपने सोचा है कि एक तरफ या तो ऊपर क्लोरोफिल है नीचे सनलाइट है या नीचे क्लोरोफिल ऊपर सनलाइट, दोनों साथ में क्यों होता है। इसलिए होता है कि सनलाइट क्लोरोप्लास्ट में आता है, क्लोरोफिल में आता है और क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड में, ग्रैना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में आता है। कहाँ?
क्लोरोप्लास्ट इन ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिखे, ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड इज कन्वर्टेड टू, कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। पहले सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में ट्रैप्ड होता है। सोलर एनर्जी जाकर क्लोरोप्लास्ट के या क्लोरोफिल के ग्रैना में जाकर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और वहां वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी क्या करता है? सोलर एनर्जी का इतना काम है, सोलर एनर्जी लिफ्ट में गया, लिफ्ट का जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट उसको ग्रैना में भेज दिया, ग्रैना क्या कर दिया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको फोटोन के रूप में बदल दिया, उसको फोटोन के रूप में बदल दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि वाटर इज इज स्प्लिटेड अप, वाई स्प्लिटेड अप टू एच प्लस ओ एच माइनस आयन, एक बार एच प्लस ओ एच माइनस एक बार, और फिर ओ एच भी ओ प्लस ओ माइनस और एच प्लस आयन। यानी जो वाटर है, वाटर दो बार टूटेगा, वाटर दो बार टूटेगा। हालांकि आपका बुक, आपका बुक सीधा कहता है कि वो एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में टूट जाता है, लेकिन अगर इसको ऑब्जर्व करें, हम अभी समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है। पहले एच प्लस और ओ एच आयन माइनस आयन में टूटता है, और ये ओ एच माइनस आयन फिर ओ और एच, ओ माइनस और एच प्लस आयन में टूट जाता है, है ना। ओ यानी सो आप हाफ ओ कर सकते हैं, हाफ ओ और एच प्लस आयन में टूट जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको ये पी एस टू में होता है, और ये रिएक्शन जो होता है पी एस वन में होता है, ये पी एस टू में होता है, नहीं सॉरी सॉरी, ये पी एस वन में होता है और ये पी एस टू में फोटो सिस्टम में होता है। आगे फोटो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, इलेवेंथ स्टैंडर्ड में फोटो सिस्टम पढ़ना है, तो फोटो सिस्टम क्या होता है वो हम बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, वाटर इसमें H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है, OH माइनस अगेन O माइनस और H प्लस आयन में टूट जाता है, नहीं O प्लस और H माइनस आयन में टूट जाता है, O प्लस और H माइनस आयन में, नहीं O O O O O ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नहीं O सॉरी O माइनस और H प्लस आयन में, ठीक है, टूट जाता है। आगे देखिए, अब क्या होगा, ये कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिड्यूस्ड टू, इसका रिडक्शन होगा, इसमें रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिड्यूस टू ग्लूकोज आपका ग्लूकोज में रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस था ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ O2 था ना, O2 किसे बदल गया, C6H12O6। अगर ध्यान से देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कंपेटिव, लेकिन 6 कार्बन के साथ 12 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 6 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई कर देंगे कि क्या ये रिड्यूस्ड हो गया, या रिड्यूस होकर क्या बना दिया, ये ऑक्सीजन घट गया ना, रिडक्शन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, यानी यहाँ CO2 था, यहाँ क्या बन गया है,
इसका जनरल इक्वेशन इस तरह से होता है, C6H2O का 6, यानी अगर 6 कार्बन है तो ऑक्सीजन में 6 है, यानी किसे बन गया ये CO2 में। यहां से देखिए, यहां CO2 था, यहां CO है, एक ऑक्सीजन घट गया ना, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो ये किसमें रिड्यूस हो गया, ग्लूकोज बना दिया, ये इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। यानी अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, यह हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 टू ऑर्गेनिक ग्लूकोज। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 टू ऑर्गेनिक ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्जन फास्टेस्ट होता है। तो ये इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब हम समझते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपना जो स्केलेटन इक्वेशन लिखे थे, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। पहला क्या हो गया कि जो आपका जो लाइट एनर्जी है प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में ट्रैप होता है और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फोटॉन के रूप में बदलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर है वो पहले H+ और OH- आयन में टूटता है, फिर O- और H+ आयन में टूटता है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? अब इसको समझते हैं पूरा। हम बात कर रहे थे, हम जो इक्वेशन लिखे हैं उस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझते हैं कि होता क्या है और कैसे कैसे रिएक्शन होता है। अच्छी तरह से समझिएगा इसको, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, दिमाग बातें डालना। मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको और दे दूंगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो एग्जाम पॉइंट उसको आप एग्जाम के दौरान देख लीजिएगा, उसमें मैं वो मेन चीजें दूंगा जो आपको याद रखना चाहिए। अभी मेरा उद्देश्य आपको एग्जाम की तैयारी करवाने से ज्यादा मेरा उद्देश्य है आपको नॉलेज देना, ताकि आप इंटरेस्ट में क्वालिफाई कर सकें। देखिए H2O है ना, मैंने पहले क्या कहा था, H2O पहले किस में टूटेगा, H+ और OH- आयन में। फिर OH किस में टूटेगा, O+ और H+ आयन में। ठीक है, ये बैलेंसिंग ये आपको आपको थोड़ा सा बता देंगे, इक्वेशन का बैलेंस करना वो बात छोड़ दीजिए, वो आगे की बात है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं, तो वहां से आता है। खैर, अब देखिए एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन किसी से पूछिए, अच्छा भाई साहब ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो रिलीज होता है किस कीमत पर, वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से कि वाटर से। अगर वाटर से आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अगर ऑक्सीजन से आता है तो वाटर का कार्बन ऑक्सीजन कहाँ जाता है। प्रश्न है ना, दो जगह ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी, यहाँ भी है ना बेटा, यहाँ क्या है सी और ओ है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन। अब प्रश्न है कि ये जो ऑक्सीजन है कहां से आया और ये ऑक्सीजन कहां से आया। अब इसको अगर पहले इसमें और आएंगे तो इसमें एक ही और आ जाएगा, प्लस H2O प्लस एनर्जी, तब अब हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये आ रहा है, प्रश्न ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये वाला ऑक्सीजन है या ये वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन वाटर का ऑक्सीजन है। अगर ये वाटर का ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अगर ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन तो वाटर का ऑक्सीजन कहाँ जाता है। प्रश्न है, आप ध्यान लीजिए, इतनी डिटेल्स में इनडेप्थ में नहीं बताते हैं क्योंकि वो आपको बच्चे समझते हैं। और यहाँ पर है कि आप सिर्फ उसको रट्टा मारता, आप रट्टा मत मारो,
साइंस को कभी भी रट्टा मत मारो, साइंस को समझो। देखिए तो वास्तव में हमने देखा यहाँ H प्लस और OH माइनस आयन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज कर दिया जाता है एटमोस्फेयर में, रिलीज टू एटमोस्फेयर। ये जो है एटमोस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, यही ऑक्सीजन यहां आता है। अब प्रश्न है कि इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन का फिर दो एटम बन जाता है O और O, ठीक है। एक ऑक्सीजन आपको आ गया ग्लूकोज में और एक ऑक्सीजन आपको आ गया यहां फिर से वाटर में। ये वाला वाटर नहीं, ये वाला वाटर नहीं, ये ऑक्सीजन क्या आ गया यहां आ गया। और ये जो आपका H2 है, H2, ये H2 आपका कहां आ गया वाटर में। समझिए ध्यान से, यहां थोड़ा सा लाइन क्लियर नहीं हुआ है। यहां लिखते हैं रिलीज टू एटमोस्फेयर एज O। क्या था ये आपका, एक ये वाला, ये ऑक्सीजन तो यहां आ गया, ठीक है। अभी ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन आपका आ गया यहां ग्लूकोज में, एक ये ऑक्सीजन आपका यहां आ गया H2O में, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आ गया यहां H2O में। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको लगभग क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, यानी ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन हमें मिलता है किसकी कॉस्ट पे आता है, वाटर की कॉस्ट पे। अब यहां से आपको बैलेंस करना आसान होगा, कैसे कैसे आप इसको बैलेंसिंग सीखिए। कितना कार्बन है, 6 कार्बन। कार्बन कहां मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का, यहां तो 6 हो गया। अब 6 टू जा 12 हो गया ना, अब तो यहां पर 6 ऑक्सीजन ये है, 6 ऑक्सीजन ये है, तो ये ऑक्सीजन तो यहां आ गया, वो 6 यहां तो ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरा जो 6O ये ऑक्सीजन कहाँ आया है, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, वाटर में, यानी ये यहां पर है प्लस कितना 6H2O। ये ऑक्सीजन वाला आ गया, ये ऑक्सीजन ये देखे यहां 6O2 है ना, तो 6 ऑक्सीजन तो यहां आ गया। ये जो 6 ऑक्सीजन था, 6 ऑक्सीजन कहां आ गया, वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 12, यहां 6 है तो यहां आपका आ गया। अब 6 2 12 हाइड्रोजन तो यहां आ गया, ऑक्सीजन कितना बच गया, 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन यहां आ गया। अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और आपको लगभग क्लियर भी हो गया होगा, आपको लगभग क्लियर भी हो गया होगा, यानी इसमें क्या हो गया, सिक्स ऑक्सीजन। अच्छा प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना, यहां से तो यहां कितना हो गया 12 है ना, यहां सॉरी यहां एक मिस्टेक हो गया, यहां हो गया 12H2O। देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां आ गया ना, ये ऑक्सीजन यहां आ गया H2O वाला, तो यहां कितना ऑक्सीजन हो गया है, 2 था। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर 6 करते हैं तो यहाँ 3 नहीं होता है, इसमें 6 2 12 ऑक्सीजन होता है। अब आपका बैलेंस हो गया,
ट्वेल्व एच टू आ गया, तो ऑक्सीजन कितना सिक्स हो जाए, ट्वेल्व और सिक्स एटीन, एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर, तो सिक्स टू जा एटीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर। वैसे आप बैलेंस मत कीजिए, ऑक्सीजन ट्वेल्व सिक्स टू जा ट्वेल्व ऑक्सीजन आ गया, ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ और प्लस ये एनर्जी लिमिटेड कर दिया। समझ में आया? अब कहेगा सर बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो गया, तो हॉच पॉच नहीं, बिल्कुल आप सिंपल सा इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य, इतना बताने का उद्देश्य था, क्या समझाना कि ऑक्सीजन आता कहाँ से है और कार्बन ग्लूकोज कहाँ से बनता है। फिर से एक बार आपको समझने के लिए, CO2 प्लस H2O ये बना दिया, C6H12O6 प्लस प्लस O2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। चलिए यहाँ क्या है आपका सनलाइट और यहाँ क्या है क्लोरोफिल। चलिए इसको बार बार देखिएगा समझिएगा, क्या बताया था आपको कि सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, क्लोरोफिल में सनलाइट ट्रैप हो जाता है और ये किस में बदल जाता है, फोटोन में। ये क्या कर देता है, वाटर को तोड़ देता है एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में एक बार और फिर ओ और एच में एक बार। अब क्या हो गया, CO2 इसमें हो जाएगा ग्लूकोज में, इसका एक ऑक्सीजन कहाँ आ गया, वाटर में, और एक ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ग्लूकोज में। यहाँ कितना है कार्बन का, सिक्स एटम है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए सिक्स कार्बन ले आए, क्लियर। अच्छा, अब जब सिक्स कार्बन आ गया तो यहाँ सिक्स हो गया प्लस ओ सिक्स प्लस ओ सिक्स टू जो टू ट्वेल्व है, ये हाइड्रोजन है कितना है, ट्वेल्व हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कितना है सिक्स, ये किसका किसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन किसके पास है, वाटर के पास है, तो इसके पास छह ऑक्सीजन गया, किसके पास छह ऑक्सीजन किसके पास गया, ग्लूकोज के पास, और छह ऑक्सीजन किसके पास आ गया, छह ऑक्सीजन किसके पास आ गया, ये आ गया वाटर के पास, तब छह ऑक्सीजन था तो यहाँ छह ऑक्सीजन दे दिए। अब देखिए वाटर कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, हाइड्रोजन है ना ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर को बैलेंस करने के लिए यहाँ ट्वेल्व दे देंगे, ट्वेंटी फोर हो गया। अब ऑक्सीजन है कितना है, कितना है ये ट्वेल्व ऑक्सीजन, ट्वेल्व ऑक्सीजन के लिए यहाँ सिक्स ओ टू, ट्वेल्व ऑक्सीजन है ना, अब टू ऑक्सीजन तो बैलेंस करने सिक्स ओ टू, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, सिक्स ई ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ। चलिए ये समझ में आ गया आपको क्या होता है। अभी तक दो चीज हम पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, हम इसको समझे थे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है और वो कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफिकेशन।